अस्सलाम वालेकुम ड्राइव थ्रिलर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल ड्राइव थ्रिल। इस टाइम जो आप स्क्रीन में इतनी खूबसूरत गाड़ी देख रहे हैं, असल में ये इस कंडीशन में ये गाड़ी थी जिसको हमने तैयार किया और एक खूबसूरत सी गाड़ी में कन्वर्ट कर दिया। ये होंडा एन वैगन 2020 मॉडल है, 2022 में इम्पोर्ट हुई है पाकिस्तान में। और ये गाड़ी जो है इस टाइम पाकिस्तान में बहुत बहुत ही रेयर गाड़ी है। रेयर गाड़ी से मुराद है कि बहुत भी होंगी पाकिस्तान में तो पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान में कोई 20 25 30 गाड़ियाँ होंगी ज़्यादा ज़्यादा, या अगर हद से ज़्यादा भी क्रॉस हुई होंगी तो 50 से ज़्यादा गाड़ियाँ पाकिस्तान में फ़िलहाल नहीं है। बात कर ली जाए इसकी डिटेल की, तो ये अप्रैल के मंथ में इम्पोर्ट हुई थी जापान से। 2020 मॉडल है, आपको ये सारी बता चुका हूँ, होंडा एन वैगन है। और आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं कि गाड़ी ये फ्रंट से और बैक से माइनर सीट थी। अब ये माइनर इंपैक्ट पे एयर बैग इसलिए ओपन हो जाते हैं क्योंकि ये जो गाड़ियाँ हैं जैपनीज़ मॉडल, इनमें एयर बैग के सेंसर्स जो हैं वो गाड़ियों के दिए जाते हैं इनके बम्पर में। ये गाड़ी हमने रिसीव की ठोकर से। इस वीडियो में आपको ये गाड़ी की सारी डिटेल्स, मतलब ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। बात कर ली जाए इसकी कि ये गाड़ी हमने ठोकर से रिसीव की, परचेज़ की थी हमने ये कास्ट ट्रेडिंग के थ्रू। और ये गाड़ी जो है हमें कॉस्ट की थी ये सारी की सारी, और जो प्राइस वगैरह सब कुछ हमने मेंशन की है। ये वीडियो पे इस टाइम आपको ये दिख रहे होंगे, ये असल में मेरा कज़न है और उसकी पिक्चर मैंने मेंशन की है साथ, ताकि आप उसमें फ़र्क देख सकें। गाड़ी हम लोगों ने ठोकर से रिसीव की। रिसीव करने के बाद पहले तो हमारी पूरी कोशिश थी कि हम ये गाड़ी चला के ले जाएं, लेकिन वो टायर एक अड़ा था गाड़ी का बैक से, जिसकी वजह से हमें ये गाड़ी वेंच पे ले जानी पड़ी। हम लोगों ने वेंच करवाई ठोकर से। ये गाड़ी हमने लेके जानी थी, लाहौर में एरिया है मुगलपुरे के पास, वहाँ पे लेके जानी थी। गाड़ी लोड करवाई और गाड़ी के आप इस टाइम कुछ शॉट्स देखें, खूबसूरत तरीन शॉट्स जो कि लोड हुए हुए है और गाड़ी मज़ीद बहुत खूबसूरत। एक तो जब गाड़ी ख़ासतौर पर एक्सीडेंट हो पाकिस्तान में तो बड़े लोग नोटिस करते हैं जाते वक्त। ये गाड़ी हमने वर्कशॉप पहुँचा दी। वर्कशॉप पहुँचाने के बाद गाड़ी आपको लाइट्स वगैरह दिख रही होंगी कि गाड़ी की लाइट टूटी हुई है। ये दूसरी लाइट है, ये भी टूटी हुई है। सबसे पहले चीज़ तो आप ये सीख लें कि गाड़ी जब भी आपने अगर लो बजट तैयार करानी है तो कोशिश ये करनी है कि गाड़ी की सब चीज़ें वही रिपेयर करवाएं। ये गाड़ी का फ्रंट था, बोनट वगैरह, लाइट, माइनर माइनर क्रैक थे, तो कोशिश ये करें कि सबसे पहले सारी की सारी चीज़ें वही रिपेयर करवाएं गाड़ी की। ये नदीम भाई हैं जो गाड़ी के, जिन्होंने डेंटिंग की, ये बहुत अच्छे डेंटर हैं, अच्छी डेंटिंग करते हैं। गाड़ी उन्होंने जिस दिन मैंने गाड़ी पहुँचाई उसी दिन उन्होंने गाड़ी खोल के, ये गाड़ी की कंडीशन आप देख सकते हैं। गाड़ी की बैक स्क्रीन इसकी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसकी स्क्रीन को हमने उतरवा दिया था क्योंकि डेंटिंग होनी थी और वो शीशा डेंटिंग के दौरान टूट सकता था, तो हमने उतरवा दी। ये इसके फ्रंट का आपको ओवरव्यू होगा कि ये गाड़ी अंदर से बिल्कुल इंटैक्ट थी, बिल्कुल अनटच गाड़ी थी ये तो। लेकिन वो असल में फ्रंट से माइनर से बोनट की शिट होने की वजह से ये गाड़ी की सेटिंग शो की, जो फ्रंट शो होती है उसकी सेटिंग होने वाली थी, तो वो सेटिंग जब की है उन्होंने तो उसके लिए खोलनी पड़ी। ये उसका बोनेट है। अब आपने बोनेट पहले भी देखा होगा इसका हुड, और उसकी क्या कंडीशन थी। ये इसकी लाइट्स हैं, लाइट उतरवा ली गई थी ताकि लाइट रिपेयर होने के लिए दे दी जाए। इन द मीन टाइम ये गाड़ी की डेंटिंग हो रही हो, ये गाड़ी का लेफ्ट साइड से माइनर क्रैक था, बैक लाइट मेजर क्रैक थी, तो वो सारी की सारी रिपेयर होने के लिए दी गई। ये इसका वापस बोनेट है जिसकी फाइनल डेंटिंग चल रही है। डेंटिंग होने के बाद ये गाड़ी दी, ये जो बोनेट की डेंटिंग हो गई, इसके बाद इसका जो है उसके ऊपर एक लोहे के फेरी जाती है चीज़, जिससे ये गाड़ी का पता लग जाता है कि कहाँ से अनइवन है। अगर थोड़ा बहुत अंदर या बाहर ये बोनेट हो तो उसकी दोबारा डेंटिंग करके उसको पूरा प्लेन कर दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको फिर ये बता दूँ कि आपने कोशिश ये करनी कि हर चीज़ वही रिपेयर करवाएँ। अब ये जिस तरह की इसके बोनेट की और डिग्गी की कंडीशन थी, कोई भी नहीं ये समझ सकता था कि ये रिपेयर होगा, लेकिन अगर आपके पास अच्छे डेंटर हों और अच्छी टीम हो तो आप सब कुछ ये रिपेयर करवा सकते हैं। असल में डेंटर वगैरह का काम ये होता है कि वो कहते हैं नए पार्ट डाल दो तो उनकी बचत, क्या बिल्कुल बचत हो जाती है हर चीज़ में,
कि उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती एंड बोल्ट्स खोल के वो उसमें नई चीज़ लगा देते हैं। लेकिन असल डेंटर का मतलब ही यही है कि वो ये सारी की सारी चीज़ें वही रिपेयर करे। अब ये आप रिपेयर होने के बाद की कंडीशन देखें कि ये वही चीज़ें, इसकी ट्रंक भी वही रिपेयर हुई है, लाइट्स मैंने रिपेयर करवा के ला के दे दी थी इन्हें ताकि ये लाइट्स जो हैं ये वही वाली इसमें अटैच कर दें। लाइट्स वगैरह अटैच हो गई हैं सारी, उन्होंने अपनी तरफ से डेंटिंग बिल्कुल फाइनल कर दी। ये आपको इसके साइड लुक और बैक लुक, इसमें जो डेंटिंग हुई है वो डिग्गी की हुई है, एक लेफ़्ट साइड का पैनल जो था वो भी डैमेज था लेकिन वो ड्राई डेंट हुआ है, राइट साइड का पैनल जो है ये मेजर डेंटिंग हुई है, और इसमें आगे फ्रंट बोनेट की डेंटिंग हुई है। ये सारे के सारे इसकी आपको डेंटिंग के बाद की शो दिखाई दे रही है कि गाड़ी डेंटिंग के बाद ये लोग गाड़ी की निकल आई थी। अब जब डेंटिंग वगैरह हमने करवा ली तो डेंटिंग के बाद सबसे पहला हमारा काम था कि हमने ये गाड़ी पहुंचानी थी पेंटर्स के पास ताकि वो इस पर पेंट वगैरह का काम शुरू करें। ये उससे पहले मैंने एक आपको लुक दिखाई है कि गाड़ी ये डेंटिंग होने के बाद अंदर से क्या कंडीशन थी गाड़ी। जाहिर सी बात है पोर्ट पे गाड़ी खड़ी रहती है 4-4, 5-5 महीने, तो गाड़ी मिट्टी से भरी हुई थी, गाड़ी बहुत गंदी हुई हुई थी, गाड़ी शीशा इसका टूटा हुआ था, एयरबैग ओपन थे। ये जैसे ही हमने गाड़ी पेंटर्स के पास पहुंचाई तो उन्होंने बहुत स्पीड दिखाते हुए गाड़ी पे सारी की सारी ये पुटीन वगैरह लगा दी गई ताकि पुटीन सूखे, और सूखने के बाद इसकी रगड़ाई की जाए। रगड़ाई मतलब आप ये कह लें कि पुटीन को जितना रिफ़ाइन कर सकते हैं रिफ़ाइन करें ताकि एक्स्ट्रा पुटीन जो है वो गाड़ी की बॉडी से उतर जाए, और बॉडी से उतरने के बाद ये जितनी कम पुटीन होगी उतनी पाकिस्तान की हीट में उसका पेंट जो है वो फटने के चांसेस कम हो जाएंगे। ये इसकी अंदर की थी डेंटिंग के बाद, उसमें अंदर ये जो है सारी की सारी इससे भी इसमें भी पुटीन लगा के इसको भी फाइनल पेंट किया गया। गाड़ी में यानी किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया कि गाड़ी कहीं से पता लग सके बाद में कि गाड़ी यहाँ से पेंट थी, एक्सीडेंट थी, ऐसा कुछ था। पुटीन वगैरह होने के बाद जब उन्होंने सारी रगड़ाई वगैरह करवा दी तो उसके बाद ये उसके ऊपर अस्तर फेर दिया ताकि गाड़ी की पुटीन और ये पेंट होने से पहले ही एक स्टेज होती है कि इस पर पेंट पक्का अच्छे से जज्ब हो सके। फिर रह गया इसका बम्पर। अगर आपने स्टार्ट की इसकी कंडीशन देखी हो तो बम्पर बहुत मेजर डैमेज था, तो यहाँ से इसको मैंने आपको जैसे स्टार्ट में बताया कि कोशिश ये करें कि हर चीज़ वही रिपेयर करवाएं। अब यहाँ से ये पूरा एरिया ये नया पीस डलवाया गया, उसके बाद इधर ये आपको पीछे पीस भी दिख रहा होगा, तो ये उसामा है, ये बड़ा मेहनती लड़का है, अच्छे काम करता है और हर चीज़ रिपेयर कर देता है। तो रिपेयर करने के बाद ये जो है इन्होंने इसमें यहाँ पे मैंने सेंसर की इसकी जगह बनवाई, सेंसर इसमें ताकि फिट आ सके, क्योंकि वो डैमेज आपने अगर स्टार्ट में देखा हो तो चीज़ एरिया तबाह हो चुका था। ये सब कुछ इसकी बम्पर की सेटिंग वगैरह कराने के बाद मैंने बम्पर फिटिंग के लिए दिया कि उसामा ने अगर इसे रिपेयर किया तो फिट भी वही करे ताकि गाड़ी पे फाइनल पेंट हो सके। बम्पर पहले फिट इसलिए करा रहा था ताकि अगर कोई एजेस वगैरह बाद में मैच ना हुए तो पेंट हम दोबारा तो नहीं करवा सकते गाड़ी के बम्पर्स पे, तो बेहतर यह है कि पहले फ़िट करवा लिया जाए ताकि फिर इसको फाइनल पेंट कर दिया जाए। तो ये गाड़ी का बम्पर फाइनली फिट होने के बाद की कुछ लुक ऐसी ही है। अब ये आपको अंदर की इसकी ट्रंक दिख रही होगी, ट्रंक इसकी इन्होंने ये सारी रगड़ाई की डिग्गी वगैरह की के जो है, जिसकी वजह से अगर बाद में गाड़ी पे देखे ज़्यादा अगर पुटीन लगी रह गई तो गाड़ी जब भी इस पे हल्की से कोई दब आएगी या गाड़ी किसी चीज़ से हिट होगी तो फ़ौरन पेंट क्रैक कर जाएगा। अगर कम से कम पुटीन होगी तो उसके पेंट के क्रैक होने के चांसेस 90-95% कम हो जाते हैं। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं उनसे कहता हूँ बेशक मेहनत और टाइम ज़्यादा लगा लें लेकिन पुटीन बिल्कुल कम हो, पेंट वेंट हो, ये सब कुछ उन्हें करने के बाद गाड़ी फाइनली पेंट होगी। अब वो उसके मैं कुछ शॉट्स नहीं ले सका लेकिन मैंने आपको इंटीरियर दिखा रहा था कि इसमें एयर बैग वगैरह जो थे वो ब्लास्ट हुए हुए थे। सबसे पहले फिर मेरा ये था कि मैं इसके एयर बैग रिपेयर करवाऊँ। रिपेयर कराने से मुराद ये है कि इसके एयर बैग, एक तो मैं ये डैशबोर्ड पूरा रिपेयर भी करा सकता था लेकिन मैंने कॉस्ट अपनी बचाने के लिए इसके एयर बैग को कट करवाया, इसको इसको दोबारा फिट करवाया एंड इसको एल्फी से और इसके ऊपर एक वो अलग सा केमिकल आता है वो फिट करके ये इसको ये शेप दे दी। अब आप कहेंगे ये बुरा लग रहा है, इसको भी कवर करने का आइडिया है और वो आपको आगे वीडियो में दिखेगा। खैर उसके सबके बाद ये जब पेंट शेंट हो गई गाड़ी तो मैंने गाड़ी की ऑब्वियसली ये अंदर की फ़िटिंग करवानी थी बिकॉज सीट्स वगैरह उतरी हुई थी, बाय बैक की जो ये है शो वगैरह। जब गाड़ी हिट हुई थी तो आपने देखा होगा कि गाड़ी बैक से हिट होने की वजह से ये शो ख़राब हो गई थी, तो उसामा के पास में आया, ये शो टेढ़ी हुई हुई थी जो उसामा ने रिपेयर की
और उसामा ने ही ये इस गाड़ी में वापस फिट कर दी बैक की शो। इसी के दौरान मैंने यहाँ पे ही अपना एक वो जानने वाले उनको बुलवाया जिससे उनका इसका बैक स्क्रीन जो थी जो उतरवाई थी वो दोबारा फिट करवा दी ताकि हमारी गाड़ी जल्द अज जल्द कम्प्लीट हो। फिर आ जाती है फ्रंट स्क्रीन असल में इसकी टूट गई थी और ये मुझे इस गाड़ी में सबसे मेजर झटका लगा है कि इस गाड़ी की मुझे स्क्रीन तकरीबन 35,000 की स्क्रीन प्लस इंस्टॉलेशन 36,000-37,000 मुझे इस पर ख़र्चा आ गया। लेकिन ये गाड़ी स्क्रीन बहुत ओरिजिनल थी, फिट बिल्कुल एक्यूरेट आई, रडार की फिटिंग थी, तो वो सब कुछ बेयर करना पड़ा मुझे। गाड़ी जब भी एक्सीडेंट होती है तो आपको पता होगा कि सीट बेल्ट जो हैं वो लॉक हो जाती हैं, तो इस गाड़ी के एयरबैग ओपन थे जैसे आपने देखा है, तो ये सीट बेल्ट मैंने रिपेयर करवाई ताकि वो प्रॉपर लॉक दोबारा से लॉक भी हो। और असल में जब एयरबैग ब्लास्ट होता है तो ये देखें ये सीट लूज़ हो जाती हैं, बिल्कुल लॉक हो जाती हैं, ना रिवर्स जाती हैं ना ये बिल्कुल बस लटकी रहती हैं। खैर मैंने ये सीट बेल्ट वगैरह रिपेयर करवाई, सारा काम इसका बिल्कुल, यानी अब ये सीट बेल्ट प्रॉपरली लॉक भी होती हैं और वापस रिवर्स फॉरन स्पीड में चली जाती हैं, एज गुड एज ब्रांड न्यू ये सीट बेल्ट हो गए। जब ये सीट बेल्ट का काम करा लिया, शीशे का काम करा लिया, फिर ये एक लाइट वाला था आपको मैंने वही रिपेयर करवाई है, तो मैंने इसको ब्लैक पेपर करवा दिया जिससे गाड़ी की मज़ीद लुक में इजाफ़ा हो गया, खूबसूरती में इजाफ़ा हो गया। और एक चीज़ की जिसकी मैं वीडियो नहीं बना सका, मैंने इस गाड़ी में एंड्रॉयड पैनल भी इंस्टॉल करवा दिया था ताकि गाड़ी में LCD का अच्छी लुक आ सके। ये सब काम कराने के बाद मैंने गाड़ी का ऑयल चेंज करवाया, गाड़ी की ट्यूनिंग करवाई, क्योंकि अब से हमने ये गाड़ी इस्तेमाल करनी थी तो हमारे हिसाब से हमें पता होना चाहिए कि ये गाड़ी कि हमने कब कब ट्यूनिंग करवाई और क्या कुछ हुआ। सब कुछ कराने के बाद फाइनली हमने ये गाड़ी घर ले आए, और गाड़ी घर लाने के बाद अब ये तो गाड़ी गंदी थी, गाड़ी ऐसे तो चला नहीं सकते थे, गाड़ी में मिट्टी मिट्टी थी, शीशा टूटा होने की वजह से अंदर गर्द गुबार और शीशे के छोटे छोटे पीस, हज़ारों और गंदगी, इंजन की गंदी हालत थी, बोनट क्योंकि आपने देखा प्रेस था उसकी वजह से इंजन भी अंदर गंदा हुआ था, गाड़ी के अंदर मैकेनिक्स वगैरह की वजह से और शीशा टूटा होने की वजह से इतनी ज़्यादा मिट्टी थी, इतनी ज़्यादा गंदगी थी कि मैं जब भी गाड़ी का कोई काम कराने जाता था तो सुबह अगर कपड़े नए पहन के जाएँ तो शाम तक वो कपड़े गंदे, बहुत गंदे हो चुके होते थे। खैर ये सब तो अपनी जगह, फिर हमने बुलाया अपने नदीम भाई को जो एक एक्सपर्ट हैं गाड़ियों को वॉश करने में, उनसे हमने कहा कि यार ये गाड़ी हमने घर में रखनी है तो ये गाड़ी हमें अच्छे से वॉश करके दें। उन्होंने फिर गाड़ी का जो काम शुरू किया, गाड़ी पूरी की पूरी गाड़ी डिसमेंटल की है, गाड़ी की सीट्स बाहर निकाली, सीट्स भी बहुत गंदी हुई थी, मैकेनिक वगैरह यूज़ करते रहे हैं तो उसकी वजह से ये गाड़ी की सीट्स वगैरह बहुत गंदी हुई थी और कारपेट मिट्टी मिट्टी, हर चीज़ मिट्टी मिट्टी थी। खैर उन्होंने ये गाड़ी डिसमेंटल की, डिसमेंटल करने के बाद ये गाड़ी जो है आपको गाड़ी की स्क्रीन पे ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी कि गाड़ी में अंदर कितनी मिट्टी थी, और ये स्क्रीन में इस टाइम दिखा होगा कि आपको ये वाइट वाला एरिया पेंट था। खैर ये सब कुछ शॉट्स आप इंजॉय करें कि गाड़ी में कितनी मिट्टी थी। ये सब कुछ अगर आपने मिट्टी शिट्टी देख ली तो मैं आपको इसके दरमियान बताता चलूँ कि ये गाड़ी जो है जब मेरे पास आई थी तो मैंने इसका एस्टिमेट लगाया था कि ये गाड़ी मुझे कम पड़ेगी, लेकिन ये गाड़ी मुझे शीशे की वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट कर गई, तकरीबन कोई 40,000 का मेरा बजट एक्सीड कर गई सिर्फ और सिर्फ फ्रंट ग्लास की वजह से। गाड़ी बहुत अच्छी है, गाड़ी का सस्पेंशन ब्रांड न्यू है, गाड़ी के टायर ब्रांड न्यू हैं, गाड़ी का अगर आपने इसमें एयरबैग से कहते हैं तो एयरबैग से मुझे पर्सनली कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज 660 cc गाड़ी है, 660 cc गाड़ी में आज तक पाकिस्तान में हम लोग भी, अगर 660 या 1000 cc गाड़ी में आज तक हम भी वैसे भी एयरबैग के बगैर गाड़ियां चलाते आए हैं, और 660 cc गाड़ी में इतनी पावर ही नहीं होती कि वो 80 या 100 की स्पीड से ऊपर जा सके, तो वो मेजरली कोई हैवी एक्सीडेंट अल्लाह ना करे कभी किसी का हो, लेकिन उस तक बजाने तक बात पहुंचती ही नहीं है। तो नदीम भाई ने अपनी सफाई गाड़ी की शुरू कर दी, पहले ये गाड़ी के सीट्स वगैरह कारपेट्स वगैरह वॉश किए, फिर इसको वैक्यूम किया, फिर ये गाड़ी के जितना प्लास्टिक इंटीरियर था इसको एक एक चीज़ को अंदर तक सफाई की, कॉर्नर एजेस हर चीज़ का बड़ा अच्छे से ख्याल रखा गया कि गाड़ी में कहीं पर भी थोड़ी सी भी मैल ना रह जाए। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये ग्लास कॉर्नर्स, ये AC वेंट्स,
एजेस, हर चीज़ को बड़े अच्छे से इन्होंने कवर किया, जिसकी वजह से गाड़ी की एक बड़ी ही बेहतरीन लुक निकल आई। अभी ये सारे इंटीरियर वो साफ साफ साथ साथ साफ करते रहेंगे, और इंटीरियर वगैरह साफ़ करने के बाद उन्होंने गाड़ी की छत साफ़ की, क्योंकि छत पे भी काफ़ी लोगों के हाथ लगे हुए थे और कहीं ना कहीं ब्लैक प्रिंट थे, थंब प्रिंट्स वगैरह गाड़ी पे काफ़ी ज़्यादा आए हुए थे। ये जो चीज़ आपको इस टाइम स्क्रीन पे दिख रही है, ये जैपनीज़ में मैं हैरान रहा हूँ कि अगर ये हमारी पुश स्टार्ट गाड़ी थी, ये इन्होंने इसके साथ एक्स्ट्रा सेल दिया था जो गाड़ी के अंदर अटैच था, कि अगर आपके रिमोट की बैटरी ख़त्म हो जाए तो आप यूज़ कर सकते हैं एज अ स्पेयर। गाड़ी बाहर से उन्होंने वॉश करना शुरू की, गाड़ी पे एक्सट्रीम मिट्टी जमा हुई भी थी, बहुत ही ज़्यादा मिट्टी थी, कि गाड़ी असल में ड्राई पोर्ट पे खड़े होने की वजह से विदाउट एनी शेड गाड़ी पे मिट्टी, आप ये कह लें कि धुलने के बाद शैम्पू करने के बाद भी गाड़ी से मिट्टी उतर ही नहीं रही थी। उन्होंने गाड़ी के इंजन बे वॉश करना शुरू किया, गाड़ी का इंजन बे, ताकि गाड़ी से हर तरफ से मिट्टी बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाए। गाड़ी के इंजन बे को उन्होंने शैम्पू से पहले वॉश किया, फिर उसके बाद पानी से वॉश किया, और उसके बाद गाड़ी जो बाहर है उन्होंने इंटीरियर तो वो साफ़ कर चुके थे, फिर एक्सटीरियर तक रेडिएटर वगैरह साफ़ किए, क्योंकि रेडिएटर वगैरह पे भी जब उन्होंने बोनेट की रगड़ाई की थी हुड की, तो वो पुटीन वगैरह का पानी ये सारा रेडिएटर और इंजन बे पे सारा पड़ा हुआ था। गाड़ी का बोनेट देख सकते हैं, ये कोई भी नहीं पहचान सकता कि ये वही बोनेट है जो स्टार्ट में इतना ज़्यादा डैमेज था, इतना बुरी हालत में था। गाड़ी उन्होंने धोना शुरू की, पहले तो उन्होंने कोशिश की ना कि गाड़ी से जितनी मिट्टी हो सकती वो उतर जाए, फिर उसके बाद उन्होंने ये गाड़ी को कंपाउंड करना शुरू किया, कि गाड़ी जो है, गाड़ी पे असल में मैल ही इतनी ज़्यादा थी। अब आपको इस पे स्क्रीन पे आई डोंट नो शो हो या ना हो, तो उसके लिए मैंने आगे एक पिक्चर अटैच की है, ताकि आपको उस पर मैं मेजरली फ़र्क दिखा सकूँ कि गाड़ी पर कितनी ज़्यादा मैल थी। ऑल दो ये वाइट कलर था, लेकिन अगर ये ब्लैक कलर या कोई और कलर होता तो उस पर आपको वाज़े फ़र्क दिख सकता। ये एक पिक्चर अटैच है, दूसरे इस पिक्चर को मैं मज़ीद ये देखें, ये ऑरेंज जो सर्कल मैंने घुमाया है इसमें मेंशन किया है कि ये गाड़ी का राइट और लेफ्ट में कितना बिफ़ोर एंड आफ्टर फ़र्क आ रहा था। पूरी गाड़ी को उन्होंने कंपाउंड लगाई ताकि गाड़ी का कोई भी हिस्सा ना वापस यानी रह ना जाए। उन्होंने लगा कि इसको ग्राइंड किया गाड़ी पे से, पूरी पूरी मैल उतारी गाड़ी की, और गाड़ी को एक बिल्कुल ही डिफरेंट लुक दे दी। यानी मैं भी वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि गाड़ी अंदर से इतनी ज़्यादा खूबसूरत लुक निकल आएगी, क्योंकि बेशक वाइट कलर था लेकिन मुझे ये नहीं जहन में था कि ये गाड़ी पे इतनी ज़्यादा मैल निकलेगी। तो गाड़ी उन्होंने कंपाउंड की, गाड़ी उसके बाद उन्होंने वॉश की, वॉश करने के बाद जो है इसको फिर शैम्पू से धोया, शैम्पू से गाड़ी धोने के बाद उन्होंने फिर गाड़ी को धोया। यानी गाड़ी उन्होंने, आप ये अंदाज़ा लगा लें कि सुबह 9 बजे से आए आए शाम में तकरीबन कोई 6 बजे के करीब वो वापस गए, तो गाड़ी उन्होंने एक तरह की बहुत ही खूबसूरत लुक दे दी। अब आप ये इसमें भी छत पे देख सकते हैं कि कितना गंदा रंग आया हुआ है गाड़ी पे, कितनी गंदगी थी जो जमी हुई है। खैर फाइनली ये गाड़ी जो है उन्होंने ये फ़ाइनल वॉश कर रहे हैं, और फ़ाइनल वॉश करने के बाद मैं आपको अगर इसकी कुछ बेहतरीन सी पहले पिक्चर्स दिखाता हूँ फिर इसकी वीडियो दिखाता हूँ, तो ये आप इंजॉय करें। ये इसके फ्रंट बैक कुछ पिक्चर्स थी, ये मैं स्पॉट पे लेके जा रहा था। ये वही इंटीरियर है जो इतना गंदा था, जिसमें बैठने का दिल नहीं करता था, और अब ये वही इंटीरियर है जो इतना खूबसूरत लग रहा है। ये गाड़ी का एयरबैग भी आप देख सकते होंगे, अब तो खैर मैं एक्सटीरियर पे आ गया हूँ। ये गाड़ी आप पहले बाहर से इंजॉय करें कि गाड़ी की कितनी खूबसूरत लुक निकल आई है। मैं पहले बता दूँ कि गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ बोनेट पेंट हुआ है, एक राइट साइड का बैक मडगार्ड जो है जिसे हम फेंडर भी कहते हैं, बैक फेंडर पेंट हुआ है, और ट्रंक और बम्पर बैक का पेंट हुआ है। यानी अगर हम जनरली उसको काउंट करें तो हमारे 3 पीस पेंट हुए हैं। ये गाड़ी की वही सीट्स हैं, वही इंटीरियर है जो इतना ज़्यादा गंदा था, और अब खूबसूरत साफ़ सुथरी हालत में एज़ गुड एज़ ब्रांड न्यू हो गया। ये एंड्रॉयड पैनल इसमें लग गया। दूसरा, ये मैट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जब नदीम भाई गाड़ी वॉश कर रहे थे तो ये मैं मैट परचेस करके लाया था, जिसे रैगजीन भी कहते हैं, एंड ये मैंने खुद कटिंग करके इसकी कोशिश कर दी थी ताकि लॉन्ग लास्टिंग हो जाए हमारा फ्लोर भी। अब बात कर लेते हैं ये गाड़ी की एक लाइट का, हमें असल में यहाँ से जा रही थी सेंसर की। ये आपने, ये दो सेंसर हैं, ये एक सेंसर तो मेरे पास है, मैंने सैंपल के लिए दूसरा सेंसर उतारा हुआ है ताकि
वो सेंसर में लगा दूं, और लगाने के बाद जो है वो गाड़ी कंप्लीट करने के बाद इस पे लाइट में फ़िट करूं। गाड़ी के टायर बिल्कुल ब्रांड न्यू थे, गाड़ी मेरी तरफ से पूरी कंप्लीट थी, जस्ट एक वो सेंसर मिसिंग है जिसकी वजह, पार्किंग सेंसर, कि वो मैं फ़िट करूंगा तो लाइट मैंने ख़ुद इंस्टॉल कर देनी थी। गाड़ी में आपने ये एयरबैग देख लें, ये एयरबैग स्टेयरिंग वाला भी वही वाला रिपेयर हो गया, और डैशबोर्ड वाला भी वही रिपेयर जो हमने स्टार्ट में आपको दिखाया कि वो रिपेयर किया है, और उसके ऊपर नॉन स्लिप मैट को विद एल्फी या विद ग्लू पक्का फिक्स कर दिए गए, जिससे गाड़ी की एक मतलब कोई जज ही नहीं कर सकता कि यहाँ पे एयरबैग जो है ओपन हुआ था कभी। दूसरा, गाड़ी की जो रूफ़, गाड़ी का इंटीरियर, गाड़ी के डोर कार्ड्स इतने खूबसूरत हो गए हैं, गाड़ी का इंजन भी आप सबसे पहले आप देखें कि गाड़ी का इंजन भी कितना क्लीन हो रहा है। ये बिल्कुल शोरूम कंडीशन गाड़ी कर दी गई है कि आप जज ही नहीं कर सकते कि ये वही गाड़ी है जो कभी एक्सीडेंट भी हुई थी और कभी ये इतनी बुरी गंदी हालत में भी थी गाड़ी। गाड़ी के फ्रंट पे ये कुछ रिफ्लेक्टर्स लगा दिए गए, एक एडवोकेट का साइन था मेरे पास तो वो इंस्टॉल कर दिया। गाड़ी में आपको बता दूं कि रजिस्टर करवाई थी तो उसका नंबर प्लेट वगैरह प्रिंट करवा के वो लगवा दी गई। ये गाड़ी की कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें आपको दिखाया जा सकता है कि गाड़ी की कितनी खूबसूरत लुक, ये इंटीरियर आप देखें इसका। फिर अब आ जाते हैं प्राइस टेस्ट पे, ये मैंने लाइव आपको डेमो दिखाया, जो कंपेटिटर मतलब OLX हो गए, पाकविल हो गए, इन पे आपको मैं इसकी प्राइजेज दिखाऊंगा। 27,45,000 19 मॉडल है, जबकि हमारा 2020 मॉडल है। अट्ठाईस लाख 25,000 आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की प्राइस आसमान पे पहुंच गई है। 28,25,000 की ये गाड़ी पाकिस्तान में फ़िलहाल सेल हो रही है। चलें 28 लाख में आप लाख रुपए कम करवा लेंगे अगले से, ये 25 लाख अनरजिस्टर्ड गाड़ी, 2020 मॉडल, 2022 की इंपोर्ट अनरजिस्टर्ड गाड़ी है। फिर आप इसमें नंबर लगवाएंगे, तकरीबन 60-62 हज़ार रुपये का नंबर पड़ेगा, तो वो 25-26 लाख की गाड़ी। फिर मैं पार्कविल पे है, मैं आ गया हूँ, यहाँ पे गाड़ी की प्राइस देखें 27.5 और 19 मॉडल है, जबकि फिर 28.5, 28,50,000 ये अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं, ये रजिस्टर्ड नहीं है अभी। इसमें आप 60-70 हज़ार का और ख़र्चा रखें, प्लस आप जब गाड़ी लेंगे तो ऑयल चेंज और हज़ारों अपने खर्चे आप जो छोटा मोटा इंसान करता है। 28 लाख, 28,50,000 आप ये समझ लें कि आपका जितने की भी गाड़ी लेंगे लाख रुपए मज़ीद ऐड कर लें अपने ख़र्चे वगैरह उस पर मज़ीद करने के लिए। गाड़ी और ऐड देखते हैं, 27 लाख, 29.5 लाख सेम गाड़ियाँ हैं, 2020 मॉडल है, 29.5 लाख। अब आप कहेंगे कि भाई हमारी गाड़ी के तो एयरबैग ओपन है, तो भाई अगर एयरबैग ओपन होने के बाद 5 लाख का फ़र्क पड़ रहा है तो आप तो लाख रुपए के लिए के एयरबैग को ओरिजिनल भी डाल सकते हैं, वो ये तो वो बात नहीं है। असल में मुझे एयरबैग से नहीं फ़र्क पड़ता था, इसलिए मुझे वो चीज़ मेरी कॉस्ट और बच गई। अगर आप लोगों को फ़र्क पड़ता तो आप एयरबैग 70-80 हज़ार रुपये के या लाख रुपये के ऐड कर सकते हैं मज़ीद इस बजट में। फिर 21 एन वैगन, 21 में आ जाते हैं, और ज़बरदस्त, ये एक मुझे गाड़ी दिखी थी जो 2020 मॉडल थी, सेम हमारे स्पेक्स की थी प्लस, लेकिन ये अनरजिस्टर्ड थी, ये सेम वही ऐड लगा हुआ है, और आर ग्रेड की गाड़ी थी, मतलब ये रिपेयर्ड गाड़ी थी जो जापान से ही रिपेयर्ड आई होगी, यहाँ पे भी आके ऑब्वियसली कुछ ना कुछ टचिंग हुई होगी, लेकिन जापान की गाड़ी प्लस ये 2016 मॉडल जो कि पुरानी शेप वाली गाड़ियाँ हैं। अब आप उनकी प्राइस देख लें कि लोग उनकी क्या क्या प्राइस मांग रहे हैं। खैर, हम वापस आ जाते हैं, 26.5 इसकी मांग रहे हैं, और याद रखें हमारी गाड़ी के तीन पीस पेंट थे, आर ग्रेड है, सेम हमारी वही स्पेसिफिकेशन है, प्राइस में बहुत फ़र्क है, और ये जो है आर ग्रेड की गाड़ी है, इसे हम ओपन करके देखते हैं कि इसमें कितने पीस जो हैं ये पेंट हैं। गाड़ी को हमने ओपन कर लिया है, ओपन करने के बाद ये ओके, इसका तो मेजर फ्रंट से पेंट है, बोनेट पेंट है, बम्पर भी पेंट है, और ये एक फेंडर भी पेंट है, ओके, इसके भी तीन पीस पेंट है आप देख लें, और ओ इसका स्ट्रट टावर देखें, ये नहीं, ये तो फ्रंट एक्सीडेंट हुई ना गाड़ी,
ये स्ट्रट टावर मतलब जिसपे हमें जिसे कुप्पा भी कहते हैं, जिसपे शॉक फिट होता है, वो एरिया रिपेयर है, यानी इंजन का मेजर एरिया रिपेयर हुआ है। फिर ये राइट साइड के जो इसके लोअर एप्रन जिसे दीवार कहा जाता है वो भी पेंट है, और ये शॉक पे भी आप पेंट के निशान देख रहे होंगे। तो गाड़ी पेंट होने, मेजर एक्सीडेंट हिट होने के बावजूद इसकी डिमांड 26,500 की जा रही है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ये इसको आप कितना कम करा लेंगे, 50,000 कम करा लेंगे, 1,00,000 रुपये कम करा लेंगे, 1,50,000 रुपये कम हम करा लेंगे, फिर भी ये गाड़ी आपको 25,00,000 की तो पड़ रही है ना। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद अब आ जाते हैं हम अपनी कॉस्टिंग पे। अपनी कॉस्टिंग की जाए तो गाड़ी की प्राइस मैं आपको बता दूं कि गाड़ी की प्राइस थी हमारी 19,27,000। ये गाड़ी मैंने 19,27,000 की परचेज़ की। बात की जाए कि गाड़ी मैं चला के लाने के उसमें था, लेकिन वो मुझे जो है वेंच पे लोड करके लानी पड़ी, तो मैंने ये गाड़ी जो है 4,000 वेंच वाले को देने पड़े। गाड़ी के रजिस्टर करवाई उसका, यानी नंबर लगवाया, उसके 52,000 मुझे पे करने पड़े। डेंटिंग के जो है मैंने 55,000 पे किए हैं। अब आप कहेंगे काफ़ी ज़्यादा है, वो काफ़ी ज़्यादा नहीं है। अगर वो गाड़ी के सारे पार्ट्स में नए डाल देता तो फिर तो ये काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन अगर सारे पार्ट्स वही रिपेयर करवाएं तो फिर ये गाड़ी के हिसाब से डेंटिंग कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर जैपनीज़ पार्ट पे आप देखा जाए तो जैपनीज़ पार्ट के हिसाब से ये गाड़ी जो है, अगर आप इसका सिर्फ बोनेट ही लेने चले जाएँ तो शायद वो आपको 55,000 कॉस्ट कर जाएगा। फिर आ जाते हैं बात इसकी रेडिएटर और प्लास्टिक रिपेयर पे। तो वो रेडिएटर हल्का सा इसका जो है उसकी प्लास्टिक वगैरह टूटा हुआ था, माइनस ही आगे से जो लगी थी, तो उसका प्लास्टिक वगैरह रिपेयर करवाया, वो 3,000 लगे। पेंट का जो गाड़ी का पेंट करवाया उसके 23,000 मैंने पे किए हैं। ग्लास पिछला जो था वो 500 रुपये दिया था ग्लास उतरवाने का, और ग्लास दोबारा उसे फिट करवाया था उसके 1,000 रुपये दिए थे। लाइट्स जो मेरी बैक लाइट्स और फ्रंट लाइट जो क्रैक थी, और फ्रंट की भी और बैक की भी जो थोड़ी थोड़ी रिपेयर करवाई, उसके 3,500 मैंने पे किए। बम्पर रिपेयर करवाया था जो, और बम्पर फिट करवाया था, तो उसके मैंने जो है 2,000 रुपये दिए। प्लास्टिक एंड डैशबोर्ड रिपेयर, डैशबोर्ड वाला जो एयरबैग रिपेयर करवाया, और जो आपको मैंने उसामा से जो गाड़ी की बैक की दोनों साइड की शो थी वो प्लास्टिक रिपेयर करवाया, उसके 2,000 रुपये दिए। स्टेयरिंग वाला एयरबैग जो था, जो स्टेयरिंग पे जिससे हॉर्न वगैरह बजता है, उसके 2,500 रुपये मैंने पे किए। नंबर प्लेट्स आपको बताया था रजिस्टर करवाई थी, तो पाकिस्तान में नंबर प्लेट्स वगैरह का तो रुझान है ही नहीं, मतलब गवर्नमेंट तो देती नहीं है, तो वो 1,000 रुपये की नंबर प्लेट्स बनवाई और कवर वगैरह लिया, ये सब कुछ उसके बोल्ट्स वगैरह लिए। गाड़ी का मैंने कवर लिया, जो गाड़ी के बाहर कवर डालते हैं मिट्टी या बारिश के पानी वगैरह से बचत के लिए, 2,500 रुपये का वो आया। 2,500 रुपये का ही इसका जो मैंने आपको वीडियो के दौरान दिखाया, जो फ्लोर कारपेट के ऊपर रैगजीन बिछवाया है मैंने, खुद ही बिछाया, वो 2,500 रुपये का वो मैं लेके आया था। फिर बात आ जाती है इसके एंड्रॉयड पैनल की, 13,500 का इसका एंड्रॉयड पैनल मुझे पड़ा, जो कि 12,000 रुपये का था। 1,000 रुपये उन्होंने इसकी फ़िटिंग के लिए, 500 रुपये उसके मल्टीमीडिया को स्टार्ट करने के लिए लिए, जो स्टेयरिंग पे बटन्स थे उसको उन्होंने ऑन करने के, यानी टोटल मुझे कॉस्ट 13,500 किया। फिर मैंने जो आपको बताया कि गाड़ी जो है मुझे मेजर कॉस्ट कर गई स्क्रीन की वजह से, स्क्रीन 35,000 की मुझे स्क्रीन पड़ी, प्लस इस पर इंस्टॉलेशन के मैंने शायद 1,000-1,500 रुपये दिए। तो ये गाड़ी की मुझे जो मेजर हिट हुई है वो सिर्फ स्क्रीन की वजह से मेरा बजट थोड़ा आउट हो गया। खैर, स्क्रीन के बाद अगर बात की जाए तो डैशबोर्ड मैट जो मैंने आयरन मैन का नॉन स्लिप मैट था वो 350 रुपये का, वो नॉन स्लिप मैट उसमें ऐड किया। 1,500 रुपये की उसकी सीट बेल्ट रिपेयर के लिए दिए, जो सीट बेल्ट एयरबैग के बाद लॉक हो जाती हैं, वो 1,500 रुपये दे के मैंने सीट बेल्ट ओपन करवाई, सही करवा ली, लॉक हो रही हैं, अब रिवर्स जा रही हैं, सब कुछ परफेक्ट हो रहा है। फिर बात कर लेते हैं साइलेंसर रबर। असल में गाड़ी ये बैक से हिट हुई थी, तो साइलेंसर जो होता है जिसे हम एग्जॉस्ट कहते हैं वो एक रबड़ पे फिट हुआ होता है, तो वो रबड़ जो है वो क्रैक कर गई थी, तो मैंने ये रबड़ ले कर डलवाई जिससे साइलेंसर बिल्कुल स्टेबल रहता है, वरना अगर रबड़ टूटी हुई हो तो साइलेंसर शेक करता रहता है। फिर शॉक इसका एक टेढ़ा हो गया था, बैक शॉक ही, वो 3,500 रुपये का मुझे असल में 2,500 रुपये का शॉक पड़ा, और 500 रुपये उसकी मजदूरी थी, और 500 रुपये उसके एक दो कुछ चीज़ें डली थी, जिसकी वजह से मुझे 3,500 का इसका शॉक पड़ा। फिर आ जाते हैं कि मैंने इसका ऑयल चेंज करवाया और इसकी ट्यूनिंग करवाई, तो 4,500 मेरे उस पर लगे। 300 रुपये मैंने बैक की जो लाइट्स ब्लैक करवाई उसके मैंने पे किए। बैटरी इसकी जो जापान से आई थी वो लीक कर गई थी, तो वो मैंने बैटरी वापस करके, और यानी रिप्लेसमेंट में दे के और दूसरी बैटरी ख़रीदी, जिसके मुझे
इजाफी 4800 रुपीज़ देने पड़े, और अब मैंने ड्राई बैटरी इसमें इंस्टॉल करवा दी। फिर रह जाती है इसके रिफ्लेक्टर। अब आपने स्टार्ट में अगर वीडियो में देखा हो तो गाड़ी ये हिट हुई थी, जिसकी वजह से इसका रिफ्लेक्टर वो एक राइट साइड वाला गायब हो गया था, टूट गया था, यानी मुझे साथ नहीं मिला। तो इसका रिफ्लेक्टर और इसके जो है शील्ड वगैरह अंदर प्लास्टिक की नीचे बम्पर शील्ड्स थी, वो रिपेयर करवा के मैंने लगवाई, जिसके 1000 रुपये मैंने वो दिए मैकेनिक को, 1000 रुपये दिए एक किसी काम के लिए दिए होंगे, मेरे अब जहन में नहीं है, इलेक्ट्रीशियन को 1000 रुपये दिए थे। गाड़ी के जो मैंने वॉश करवाई, जो इतनी गंदी गाड़ी थी, और उसको नदीम भाई ने वॉश करने के 3500 रुपये लिए, जिसके बाद वो गाड़ी आप ये कह लें कि सोने से मिट्टी हो गई, और मिट्टी से सोना हो गई, आई एम सॉरी, वो मिट्टी से सोना हो गई। इतनी लंबी वीडियो थी तो उसमें छोटी बहुत गलती तो चलती है। खैर, और ये सारे होने के बाद मैंने उस पर सारी सीटों पर प्लास्टिक, वो उसकी मेरे पास पिक्चर तो नहीं है, लेकिन मैंने पूरी गाड़ी के उस पर सीट्स पे प्लास्टिक चढ़वा दिया, जो कि मुझे 900 रुपये कॉस्ट किया। तो अगर मुझे ग्लास की मेजर फटीक ना पड़ती और इतना महंगा ग्लास ना पड़ता, तो मुझे गाड़ी विदाउट ग्लास 21,18,000 की कॉस्ट कर रही थी, और विद ग्लास अब मुझे गाड़ी ये 21,53,000, यानी अगर आप राउंड फिगर करें तो 21.5 लाख की, 21,50,000 की ये मुझे गाड़ी पड़ी है। मैंने आपको लाइव कंपैरिजन दिखा दिए, आज डेट है 18 जून 2022, तो उसकी ही मैंने आपको रिकॉर्डिंग लाइव दिखा दी है कि लोग एक्सीडेंटल गाड़ियों के, अनरजिस्टर्ड गाड़ियों के 26, 27, 28, 29, 30, 30-30 लाख तक, यानी लोग गाड़ियों के पैसे मांग रहे हैं। तो अगर आपको कोई एक्सीडेंटल गाड़ी मिलती है और वो सस्ते में तैयार हो सकती है, तो वाई नॉट, आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप उस पर जाएँ। अगर आप एयरबैग कॉन्शियस हैं तो आप एयरबैग ओरिजिनल लगवा लें। स्टिल आपको ये गाड़ी समझ लें कि मुझे अगर 21,50,000 की गाड़ी पड़ी है और मैं जेन्युइन एयरबैग डलवा लूँ तो मुझे 2250 की पड़ जाएगी, लेकिन स्टिल वो मार्केट से 4-5 लाख रुपए सस्ती गाड़ी पड़ रही होगी, और 4-5 लाख रुपए हर बंदे के लिए आजकल के ज़माने में बहुत मैटर करते हैं। जितना डॉलर ऊपर चला गया, हमारी पाकिस्तानी करेंसी डीवैल्यू हो गई है, तो अगर आप उस हिसाब से देखें तो ये गाड़ी मैं अगर 21,50,000 की मुझे पड़ी है और आज के आज मैं अगर ये गाड़ी बेचूं, तो ये मेरी गाड़ी मुझे कम से कम भी कोई 3-4 लाख रुपए का प्रॉफिट दे सकती है इजीली। ये विद मैंने प्रूव आपको इसीलिए लाइव सेशन में दिखा दिया है, ताकि कोई ये ना कहे कि ज़बानी कलामी बात हो रही है, विद प्रूफ। इसीलिए ये सारी की सारी चीज़ मैंने आपको दिखाई है कि गाड़ी पे मेहनत तो होती है, लेकिन उसके बाद अगर आपको एक महीने के अंदर अंदर ये 3-4 लाख रुपए की बचत आ रही हो किसी एक चीज़ में, और वो भी अगर आप फौरन बेचना चाहें, और अगर आप चला के बेचें, तो यही आपकी अमाउंट 50-60% मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि टाइम के साथ गाड़ियाँ और महंगी हो रही हैं, और 660 तो हमेशा इन डिमांड रही है बिकॉज ऑफ फ्यूल एवरेज। अगर आप इसकी फ्यूल एवरेज की बात करें तो ये गाड़ी 29-30 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देती है, एंड अगर आप इसकी सस्पेंशन की बात करें तो ये मैं कहता हूँ कि मिनी प्राडो या टोयोटा सर्फ के कंपैरिजन में ये गाड़ी है, बहुत ही ज़बरदस्त स्मूथ, और जैसे आप जीप में बैठ के इसका प्रॉपर सस्पेंशन हिलता है, उस तरह इसका, इस गाड़ी का होंडा का सस्पेंशन है, बहुत अच्छा सस्पेंशन है इसका। तो उम्मीद करते हैं आपको ये गाड़ी की हमारी वीडियो, हमारी कार रेस्टोरेशन पसंद आया होगा। मज़ीद आपके लिए और इस तरह के रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स लाते रहेंगे, ताकि आपको इससे इंफॉर्मेशन हासिल होती रहे और आपको पता रहे कि अगर आपने कोई गाड़ी लेते हैं तो आपका किस किस चीज़ पे कितना कितना ख़र्चा आ सकता है, और आप कितने बजट में कौन सी गाड़ी कितने टाइम में तैयार कर सकते हैं। तो मज़ीद हमारे वीडियोस से अपडेट रहने के लिए हमारे ड्राइव थ्रिल के चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, और अपने जितने दोस्त जो गाड़ियों से रिलेटेड शौक रखते हैं या गाड़ियाँ पसंद करते हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो के एंड पे मैं गाड़ी की पिक्चर्स अटैच कर रहा हूँ, गाड़ी की पिक्चर्स एंजॉय करें, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो गाड़ी के कमेंट सेक्शन में, ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसका जल्द अज़ जल्द रिप्लाई कर सकूँ आपको। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपका दोस्त सैयद तलाब आपसे इजाज़त चाहता है, फिर इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।